वेल, खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन के दो और कंटेस्टेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हिमांशु एंड सना, जिन्हें आपने पहले भी देखा है रियलिटी शो में, लेकिन इस बार मैं इनसे जानना चाहूंगी, एक्साइटेड है, नर्वस है, क्या है? थिंक हम सब हैं, हम एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है, डरे भी है, खुश भी है, हम सब है, वी हैविंग दिस मिक्स इमोशंस. एक्चुअली आई थिंक ये प्रमोशंस, आई मीन ये ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सिंक इन हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करने वाले हैं, वी आर गोइंग, वी आर एक्चुअली डूइंग दिस. नर्वसनेस है, झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा डरा भी हूँ कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि इस तरह का कभी कुछ अटैम्प्ट नहीं किया. एक्साइटमेंट भी है क्योंकि अपने दोस्त साथ में है. बाकी वहाँ पे क्योंकि शो बहुत अलग है, दिस इज़ नॉट अ डांस बेस्ड शो, दिस इज़ नॉट अ सिंगिंग शो, दिस इज़ समथिंग एल्स. मतलब इस तरह के स्टंट आप कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते जो आपको करने पड़ेंगे. पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या करूँगा, क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा. सो आई थिंक जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट्स सी. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों को किन किन चीज़ों से डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को फेस करना है आप लोगों को. मुझे वैसे डर नहीं लगता है कोई चीज़ से, लेकिन इंसेक्ट से थोड़ी, आई मीन थोड़ी क्रीपी क्रॉलीज अच्छे नहीं लगते. आई मीन किसको अच्छे लगते हैं कि बैग भर के कॉकरोच में बैठ जाओ, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा. सो उससे आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल, लेकिन अदरवाइज आई एम नॉट स्केयर्ड. डर तो एक्चुअली मुझे लगता है डर के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ अभी ट्राई नहीं किया है ज़िंदगी में कभी. हाँ, वो मैं एक्चुअली बात हो रही, जैसे एक दो कॉकरोच देखें तो चल जाता है, लेकिन 15,000 कॉकरोच देखेगा तो इंसान डरेगा या कर पाएगा स्टंट या नहीं कर पाएगा, आई थिंक वो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा. तो अभी इस समय कहना मुझे लगता है लाजमी नहीं होगा. अमृता का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप खतरों के खिलाफ? अमृता की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उसने कहा मुझे शो करने के लिए, क्योंकि वो ये शो नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ सम डेट इश्यूज एंड एवरीथिंग, बिकॉज शी शूटिंग अ मराठी फिल्म ऑन द सेम डेट्स. तो उसकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस की, ये शो आया है, गॉड इज गिविंग यू, यू हैव टू डू इट नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाट, डू नॉट एंटर द हाउस बिफोर साइनिंग दिस शो, ओके? सो कम. ओके, जैसे कि यहाँ पर काफी चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में भी ये शो की ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप लोगों ने शो के लिए हाँ किया है? ये शो की वजह से मुझे लगता है इंसान खुद को खोज पाएगा, डिस्कवरी ऑफ योरसेल्फ. आई थिंक हर शो में से यू टेक समथिंग बैक होम, एंड आई थिंक दैट ये शो में इतनी सारी चीज़ें अटेम्प्ट करने मिले पड़ेगी और मिलेगी भी, कि अगर मैं वापस घर जाके सिर्फ अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैंने नहीं नहीं बोला, मैंने सब किया, देन आई थिंक दैट्स अ फ्यूलेस पॉइंट, एंड देन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो वो फीलिंग के बाद. जैसे कि इस बार इस शो की शूटिंग जो है वो अर्जेंटीना में हो रही है, तो अर्जेंटीना के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट आई टेल यू, मुझे जब पूछा गया तो आई सर अच्छा खतरों के खिलाड़ी, सर आई सर अच्छा अर्जेंटीना तो मुझे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा ये शो में? आई वाज लाइक अर्जेंटीना तो आई एम गोइंग, आई एम ऑन, और क्या करना पड़ेगा ये शो में, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, आई एम अ कंप्लीट ट्रैवल जंकी. मैं रोज़ देखती हूँ, बोलती आई थिंक मुझे न्यूयॉर्क जाना है, आई थिंक मैं एलए चली जाती हूँ, आई थिंक काम से चले जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आई फील लाइक ऑकवर्ड टू टेक अ हॉलीडे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू अर्जेंटीना. ओके, आप दोनों ने पहले भी एक रियलिटी शो में काम किया है, आप बतौर उसका खिताब जीता भी है आपने, तो यहाँ पर इस शो में आप दोनों की बॉन्डिंग कितनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है? बॉन्डिंग ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले से, एज आई सेड सना इज़ लाइक फैमिली, बिकॉज हम यू नो दीपू ये सना संग्राम जी यू नो मैं अमृता, हम सब शुरू से यू नो वी वर वेरी बॉन्डेड टुगेदर इन द नच, बल्कि सभी ने देखा है ये बात. तो ऑब्वियसली जब एक इंसान यू नो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई, एक रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ गया, और अब यू नो आई थिंक दिस बॉन्डिंग, वहाँ भी हमको 2-3 महीने अलग से रखा था, सो डेफिनेटली हमारी बॉन्डिंग तभी भी बहुत क्लोज हो गई थी, बिकॉज वी वर ऑल स्टेइंग टुगेदर ऑल्सो, यू नो. So I'm sure the bonding obviously has strengthened over a period of time, and in a show like this mujhe lagta hai aur bhi zyada madad karegi, kyunki aap khud se compete kar rahe ho, saath mein stunt se compete kar rahe ho, to kisi ke saath ho to fir rasta aasan ho jata hai. Is show ke agar hum host ki baat kare, Arjun Kapoor hain is baar, kitne excited hai Arjun ke saath mein kaam karne ke? I think iska jawab Sana dengi. Sana No, definitely Arjun ek bahut hi young host hai, एंड आई थिंक के जस्ट लाइक हमने इनफैक्ट सुना था अर्जुन वॉन्ट्स टू अटेम्प्ट एवरी थिंग, वो सब चीज़ करना चाहता है, तो आई थिंक इट बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक नो, आई जनरली थिंक दैट जैसे अर्जुन ने कहा था वो ये टाइम सब चीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी कूल वे ऑफ लुकिंग एट इट फॉर अ होस्ट, क्योंकि अर्जुन को करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अब हम कराएंगे. ओके, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? No, you say something else. I'll just say, you know,
यू हैव यू नो अप्रिशिएटेड अस यू नो इन इन रियलिटी शो जहाँ आपने देखा है सराहा है ऑब्वियसली आई जस्ट वांट टू से दिस कीप अस इन यू नो इन योर ब्लेसिंग सॉरी कीप अस इन योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एंड आई थिंक हमेशा से मेरा मानना है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है कहीं ना कहीं वो दुआएं अगर साथ में रहेंगी तो शायद हमारी नैया थोड़ी पार हो जाएगी डेफिनेटली आई थिंक मैं भी यही कहूँगी प्लीज़ प्रे फॉर अस हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल के साथ जा रहे हैं लेकिन हम काफ़ी डरे हुए हैं सो वी कैन रियली डू विथ योर प्रेयर्स एंड हमने इंशाल्लाह आपको लास्ट रियलिटी शोज में भी एंटरटेन किया है और इस बार भी हम करेंगे चलिए बेस्ट ऑफ लक टेली मसाला की पूरी टीम के तरफ से थैंक यू सो मच कैमरामैन परेश के साथ पूजा तिवारी टेली मसाला